इसे ऊपर वाले का कर्म कहें या सितम, एक औरत को 80 साल की उम्र में 11,000 करोड़ की संपत्ति मिली है। एक हिसाब से ऊपर वाले का कर्म ही है जो इतनी बड़ी संपत्ति उसे मिली है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखा जाता है तो उसे ऊपर वाले का सितम भी नज़र आता है। आप समझेंगे कि सितम कैसे हुआ। दरअसल बात यह है कि जो 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इस औरत को मिली है, असल में इसी की है जो एक साजिश के तहत इससे छीन ली गई थी, जिसे वापस पाने के लिए इसे इस औरत की उम्र मुकदमेबाजी में निकल गई। इस उम्र में बस यही संतोष करके दिल को समझाया जा सकता है कि चलो हमारी उम्र तो मुफलिसी में निकल गई पर प्रॉपर्टी दुश्मनों के पास नहीं रही। बात पंजाब के फरीदकोट रियासत के महाराजा हरिरिंदर सिंह की बेटी अमरीत कौर की है। महाराजा का एक बेटा था जिसकी असमय मौत हो गई थी, जिसके सदमे से महाराजा उभर नहीं पाए। उनके यहाँ काम करने वालों ने महाराजा की इस स्थिति का नाजायज फ़ायदा उठाया और सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम महाराजा से करवा ली। उस समय महाराजा हरिरिंदर सिंह की माता, पत्नी और 3 लड़कियाँ जीवित थीं, जिनके लिए 1700 रुपये महीना खर्चे का प्रावधान वसीयत में रखा गया था। महाराजा हरिरिंदर की मौत के बाद उनकी माता, पत्नी और एक बेटी मुफलिसी सहते हुए भगवान को प्यारी हो गई। राजकुमारी अमृत कौर भी चंडीगढ़ के एक फ्लैट में आदमी की ज़िंदगी जीने लगी। राजकुमारी अमृत कौर ने वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया, जिसका फैसला 25 जुलाई 2013 को आया। राजकुमारी से भिखारी बनी अमृत कौर इस फैसले से फिर से रानी बन गई। फोर्ब मैगजीन के एक अंदाजे के अनुसार वे भारत में 35वें नंबर की अमीर हैं। अमीरों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी है, जिनकी संपत्ति लगभग 21,000 करोड़ रुपये है। राजकुमारी अमृत कौर को उनका हक मुबारक।